यहाँ रोक के कंटेनर रोक के यही कंटेनर यही रोक के आवाम की पुकार है आयद की ललकार है हर कोई तैयार पीछे चले जाओ बिल्कुल पीछे चले जाओ चले थोड़ा कंटेनर और आगे शाद बोलो शाद बोल जाता ना फिर उनको पीछे ले जाएंगे मोड़ साहब को मैं मोड़ साहब यहां का पीछे आ जाएंगे तो सारे लोग आ जाएंगे ना ये तमाम मजमा जो यहाँ इस्तकबाल के लिए आया हुआ है कंटेनर के पीछे आ जाए थोड़ा कंटेनर आगे कर लें जी मौलाना साहब कंटेनर के पीछे आ रहे हैं ऊपर स्टेज पर ये कंटेनर थोड़ा आगे बढ़ाए ये साथी जो खड़े हुए हैं ये कंटेनर के पीछे आ जाए स्टेज उस तरफ है पीछे आ जाए कंटेनर के कौन सा गुजरावाला वाले जाग रहे हैं उठो गुजरावाला वाले जाग रहे हैं मैंने लाड़का ने में सुना था गुजरावाला वाले पहलवान हैं ये पहलवानों का शहर है सही बात है तो पहलवानों हम भी एक कुश्ती लड़ में जा मजा नहीं है पहलवानों की आवाज ऐसे नहीं होती सोनिया जी है कोई पहलवान आप में बनी गाला तक पहलवानों की आवाज जानी चाहिए ये कैसे कंटेनर पे ऊपर चढ़कर आ गए दूसरा इमरान न्याजी आप बोलेंगे जर्नल न्याजी इमरान न्याजी और पहलवानों जरा अपनी मोबाइल की लाइटें तो जलाओ जरा ये आजादी मार्च का इस्तकबाल किया है मैं दिल की गहराइयों से आपके को सलाम पेश करता हूं हम कई रोज से कराची से रवाना हुए सिंध की सरजमीन को अबूर करते हुए पंजाब की सरजमीन में दाखिल हुए आज यहाँ गुजरावाला में हम आपके जोश और वलवले को देख रहे हैं आज पूरी कौम एक सफ में खड़ी है और आजादी मार्च का जो मुतालबा है वो एक कौमी मुतालबा बन गया है और वो यही कि हम 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते इसके नतीजे में जो हुकूमत कायम हुई है वो नाजायज हुकूमत है और पाकिस्तान की जमहूरियत में नाजायज हुकूमत बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है जिस अमानत को लूटा गया था आज हम वो वापस अवाम के हवाले करने के लिए निकले हैं ताकि अवाम
वोट की अमानत का सही इस्तेमाल करके अपने हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम कर सके। आज रबीउल अव्वल का आगाज भी हो गया है। जिस हकूमत ने पाकिस्तान में नामूस रिसालत को एक आसान मसला समझ लिया था कि उसके तौहीन के मुर्तकिब को एजाज दिए जाते हैं, जिस हकूमत में आदियानियत को ये इत्मीनान दिलाया गया कि आईनी शिक का खात्मा कर दिया जाएगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस रबीउल अव्वल का हम पर हक है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत और अकीदे खत नबूवत की भी हिफाजत करें, और यही मिलाद रसूल का तकाजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे मोहतरम कदम, कायदे मोहतरम कदम बढ़ाओ। मेरे दोस्तों, मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई है और पाकिस्तान की मईशत की किश्ती हचकोले खा रही है। जब दुनिया में कोई मुल्क माशी लिहाज से इन्हितात के इस दर्जे को पहुंच जाता है तो फिर वो मुल्क अपनी जुग्राफियाई शनाख्त खो बैठता है। आज अगर हम निकले हैं तो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने के लिए निकले हैं। मुल्क को इस माशी बहरान से निकालना एक साल हो गया है, अब ये नाअहल हुकूमत हमें मुल्क के इस माशी बहरान से नहीं निकाल सकती, और अगर ये मजीद बरकरार रहती है तो पाकिस्तान की बका और सलामती दांव पे लग जाती है। आज भी मौकफ तय कर लिया है, पूरी कौम एक मुतालबे के बुनियाद पर एक पेज पर है, एक सफ है, शाना बशाना है, कदम ब कदम है, और इंशाल्लाह हमारा ये सफर इस्लामाबाद तक जाएगा और नतायज हासिल करेगा। आपकी दुआओं के साथ, आपकी रफाकत के साथ, आपकी हिमायत के साथ, आपकी जुर्रत के साथ, आपकी भरपूर कमिटमेंट के साथ अल्लाह ताला हमें कामयाबी से सरफराज फरमाए। और इस वक्त बलोचिस्तान के लोग भी आपके काफिले में हैं, जनूबी पंजाब आपके काफिले में है, पूरा पंजाब आपके काफिले में है, सूबे सिंध आपके काफिले में है, और कल इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान मिलकर इस्लामाबाद में इस मुताबिक के साथ दाखिल होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी क्यादत को पस दीवार जिंदान धकेला जा रहा है। एहतसाब के नाम पर सियासतदानों के खिलाफ अब ये ड्रामे मजीद नहीं चल सके। हमारे बहुत से बुजुर्ग मियां नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी जेल में भी हैं, अस्पताल में भी हैं, हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं, घर आए और आवाम की सफों में शामिल हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब आपका, बड़ी नवाजिश है आपकी, आपने आपके शहर ने हमें इज्जत बख्शी है, गुजरावाला ने हमेशा हमें इज्जत बख्शी है, और आज जिस जज्बे के साथ आप यहाँ मैदान में हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपके इस जज्बे की कदर करता हूँ। अल्लाह आपकी कदर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह हम एक कदम इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और ये जंग कारकुनों ने लड़नी है, ये जंग पाकिस्तान के अवाम ने लड़नी है, बराह रास्त अवाम ने लड़नी है। आज पूरी कौम इस सफर में हमारे साथ शरीक है, मैं इनके हौसलों को सलाम करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुजरावाला वालों,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कारना देख 40 किलोमीटर से ज्यादा 40 किलोमीटर लंबाई पर मुश्तमिल आजादी मार्च का कारना आबाद बढ़ रहा है। आपको दावत देते हैं, आए हमारे हमराही बने, इस काफले के सिपाही बने, इस अजीम मकसद के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इन करप्ट हुक्मरानों को भगाने के लिए, खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए, मजदूर के लिए, हारी के लिए, किसान के लिए, गरीब तबके के लिए, मजलूम के लिए, इस कारवां के सिपाही बने, हमारे शाना पशाना चले, आए इस्लामाबाद चले और इस इमरान न्याजी के इक्तदार का जनाजा पढ़े। अंसार-ए-इस्लाम के रजाकार आगे चले जाए, रास्ता खाली करवाएं, तमाम बाबरती रजाकार आगे चले जाए। ट्रकों वाले से दरख्वास्त करें, उनसे मुल्तमिस हो, यही हुसन है इस आजादी मार्च के कारवां का। ट्रैफिक चल रही है, अंसार इस्लाम पर पाबंदी लगाई गई। भाई क्यों? कहा ये इंतहा पसंद है, दहशत गर्द है, ये एक पूरी मलाइशा है जो इनके साथ चल रही है। कराची से चलते हुए चौथा दिन गुजर गया है। इंसान तो इंसान, दुकान और